सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिले टेक एंड ट्रेवल वीडियो सबसे पहले। मेरा नाम MKSingh और आप देख रहे हैं अलराउंडर MKSingh यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैंने कल कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी मूवी रिव्यू के लिए, तो वहाँ पर आपने काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है और बोला है कि आप रिव्यू दे दीजिए मूवी का, तो मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। और मूवी मैं कल देखकर आया 2.2, काफ़ी अच्छी मूवी है। एक्टिंग से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इनके लीड एक्टर्स हैं खासकर की रजनीकांत और अक्षय कुमार और यहाँ पर एमी जैक्सन, उन तीनों ने ही अपनी एक्टिंग से प्रभावित किया है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस मूवी की लगी तीन, क्योंकि तीन चीज़ें मुझे इस मूवी में बेस्ट लगी हैं। पहली VFX, दूसरी VFX और तीसरी भी VFX, क्योंकि तीनों ही चीज़ें यानी कि तीनों मिलाकर एक ही चीज़ है भाई। VFX जो है बहुत ही बढ़िया होने वाला है इस मूवी का, और सबसे ज़्यादा खर्चा इस मूवी में VFX के लिए ही किया गया है, क्योंकि सुना है कि VFX जो है इसका बाहर से यानी कि UK की कंपनी से करवाया गया है। अब बाकी बात करें कि इसकी स्टोरी की, तो मैं स्टोरी बता के आपका मज़ा बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल अच्छी स्टोरी। अगर मैं इसे अपनी तरफ से पॉइंट देना चाहूँगा, बताना चाहूँ, तो इस मूवी में एक्शन भी है, रोमांस भी नहीं है। खैर रोमांस तो खैर इसमें लगता नहीं कि रोमांस तो यहाँ पर बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। एक्शन मूवी है तो साईफाई मूवी होने वाली है, लेकिन इतनी साईफाई भी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। तो अगर आपने अवेंजर्स जैसी मूवी देखी हुई है या फिर आप हॉलीवुड की जो आयरन मैन, अवेंजर्स और थॉर रैग्नारोक मूवी देखते हैं, तो उसके हिसाब से VFX इसमें काफ़ी ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है, बी ग्रेड का आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप प्योर बॉलीवुड की मूवी देखते हैं तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर VFX काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बस एक्सपीरियंस के ऊपर बात है यार, क्योंकि हर किसी का देखने का नज़रिया अलग होता है। बस मुझे मूवी थोड़ी बी ग्रेड की लगी है, लेकिन अवेंजर्स जैसी हॉलीवुड मूवी के सामने, हालांकि मूवी हॉलीवुड की टक्कर दे सकती है, क्योंकि इतना इस मूवी के अंदर VFX यूज़ किया गया है, इतनी टेक्नोलॉजी है कि ये मूवी इंडिया की बेस्ट मूवी हो सकती है। लेकिन पूरी दुनिया के स्केल पर आने के लिए ऐसी मूवी को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इसे भी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी। ओवरऑल मूवी अच्छी है, आप जाएंगे तो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे, आप निराश नहीं होंगे। तो बस अगर मैं अपने पॉइंट्स की बात करूँ, रेटिंग की बात करूँ, तो मैं यहाँ पर इसे दूंगा पूरे 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। तो काफ़ी अच्छी मूवी है, जाहिर सी बात है कि मैंने स्टार्स भी काफ़ी अच्छे दिए हैं। तो आप जाइए मूवी एंजॉय कीजिए, बाकी गुड लक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।